आमिर खान और उनकी फिल्म लाल सिंह चड्ढा अभी कुछ दिनों में काफी ज्यादा सुर्खियों में रही है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जिस तरह का इसका ट्रेंड चल रहा था बायकॉट का, उसके बाद इस फिल्म को इसकी भरपाई भी करनी पड़ी है। और आज हम बात करने वाले हैं इसके 3 डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, और साथ ही साथ हम जानेंगे कि ओवरसीज यानी कि अदर कंट्रीज की इसकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, क्योंकि हमने सोचा था कि इंडिया में चलो अगर ये नहीं भी चले तो अदर कंट्रीज में तो ये जरूर धमाल मचाने वाली। तो इसमें हम ये भी जानेंगे कि अदर कंट्रीज में इसका कलेक्शन किस तरह से निकलते हुए सामने आ रहा है। बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, चैनल नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस बिल्कुल करिएगा, और हाँ चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करके जाना, और कमेंट में बताना आपको क्या लगता है कि ये इंडिया में कितनी कमाई करेगी और ओवरसीज क्या ये बहुत अच्छा कलेक्शंस कर पाएगी या फिर एक फ्लॉप फिल्म रैक बन के रह जाएगी। कमेंट में इस चीज को जरूर मेंशन कर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हाँ तो साथियों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेकंड डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कल तो मैंने बता दी थी इस वीडियो में, एक वीडियो में, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज इसके 3 दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या निकल गया है। जैसे कि हमने कहा था कि कल आज के दिन कम से कम इसे 15 करोड़ के ऊपर की कमाई करनी चाहिए अगर इसे सुपर डुपर हिट होना है तो, बट दोस्तों ये चीज बिल्कुल भी नहीं हुई। आज का कलेक्शन जो मैं बता दूं आपका, सैटरडे का कलेक्शन जो कि बहुत अच्छा होने चाहिए था बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, वह लगभग मैं आपको बता दूं 9.68 का कलेक्शंस करती नजर आ रही, मतलब 9.68 करोड़। मतलब ठीक है आपके सेकेंड डे कलेक्शन से बड़ा है बट कुछ खास नहीं बढ़ा है। देखो इतने में ऐसा कुछ खास कमाल नहीं कर पाएगी फिल्म। अब बच रहा है संडे का, और हो सकता है 3 से 4 दिन बाद, अब आने वाला जो 4 दिन बचे हैं उसके बाद ये फिल्म बंद होते भी नजर आए हमें, बहुत ही कम थिएटर्स में देखने के लिए मिले शायद। बट जैसे अब मैं आपको बता दूं कि अभी तक फर्स्ट डे कलेक्शन निकल के आया था 10 करोड़ के आसपास, नहीं सॉरी 12 करोड़ के आसपास। सेकेंड डे कलेक्शन निकल के आया था लगभग कि मैं कह दूं सेकेंड डे कलेक्शन ना मतलब बहुत ज्यादा नहीं था, 7.76 करोड़ के आसपास। थर्ड डे कलेक्शन जो निकल के आया है वो 9.78 के आसपास निकल के आया है। तो मतलब ये कलेक्शन ना कुछ खास नहीं है, और अब टोटल अगर हम कर ले तो 28.26 करोड़ के आसपास ही कमाई करती है फिल्म हमें नजर आ रही है 3 दिन के अंदर, जो कि इस फिल्म से एक्सपेक्टेड नहीं था क्योंकि ये बड़े बजट की फिल्म है, लगभग 100 करोड़ 80 करोड़ की बजट की फिल्म है। तो हम ये नहीं चाहते थे कि यह फिल्म 30 करोड़ के आसपास, मतलब 3 दिन में से 30 करोड़ भी पार नहीं की है, उसके भी अंदर काम कर रही है। बट अगर हम बात करें, जैसे हमने कहा था कि ओवरसीज काफी ज्यादा अच्छा कलेक्शन निकल के आएगा दिखेगा, बट वहां पे भी इसका परफॉर्मेंस कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं ऑस्ट्रेलिया से जो कलेक्शन निकल के आ रहा है 2 दिन का, वह लगभग ना 1.86 करोड़ के आसपास निकल के आ रहा है। वहीं अगर हम न्यूजीलैंड से बात करें तो न्यूजीलैंड से आई थिंक 48 लाख के आसपास कलेक्शन निकल के आ रहा है, जो कि बिल्कुल भी बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं है। मतलब जो अपनी कंट्री में नहीं चल रही है वो बाहर की कंट्री में चले ऐसा हमने सोचा था बट ऐसा नहीं हो रहा है। हमें लगा इंडिया में शायद बायकॉट का ट्रेंड है इसलिए शायद इंडिया में ना चले, ओवरसीज चले ज्यादा, बट ओवरसीज में भी से कोई खास कलेक्शन निकल के नहीं आ रहे। बाकी अगर और कुछ निकल के आता है तो मैं आपको चैनल पर जरूर बताऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके जाइए। कमेंट में जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है कि यह फिल्म 200 करोड़ के आसपास कमा पाएगी या फिर 100 करोड़ के अंदर ही निपट जाएगी, कमेंट में जरूर मेंशन करिए। चलो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।